से आप लोग सब नो रिस्पॉन्स हाउ इज एवरीवन डूइंग पक्का सिर्फ दो लोग की आवाज सुनी है मैंने आप बाकी लोग कैसे हैं ओके जैसे कि अभी अभी आपने देखा हमारी आज की कहानी का ये है पहला क्रॉसरोड अब ये अगर एपिसोड होता आप लोगों की जगह में हमारी ऑडियंस होती क्रॉसरोड पे ऐसे ही रोक कर मैं उन सब से डिस्कशन शुरू करता फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई भी अगर इस सिचुएशन में हैं या होएं क्या करेंगे आप अबॉर्शन क्यों हाँ ओके जैसे कि अभी अभी आपने कहानी में देखा यहां पर भी सेम चीज हो रही है द मैन इज सेइंग अबॉर्शन एंड द वुमन इज सेइंग नो समबडी एल्स ऐसे बच्चों की हालत देखी है कुछ लोगों की बहुत डिफिकल्ट होता है संभालना मानता हूं लेकिन सीरियस मैटर उस मां के लिए अगर भगवान ने चाहा है कि यही बच्चा उसकी कोख में हो तो वो उसकी जान क्यों ले नहीं कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि आपको अबॉर्शन करना पड़ेगा नहीं तो मदर के लिए भी नुकसान होगा नहीं नुकसान नहीं होगा बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा ही विल बी अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड करेक्ट तो फिर डिलीवरी होनी चाहिए होनी चाहिए तो आपने अपना चेंज कर लिया व्यू पॉइंट नहीं मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि जरूरी है अबॉर्शन करना हाँ. तो अबॉर्शन होना चाहिए नहीं तो एक चीज क्लैरिफाई करते मां की जान खतरे में नहीं होगी राइट डॉक्टर ने क्या कहा कि दिस विल नॉट बी अ नॉर्मल चाइल्ड ये नहीं कि चाइल्ड जिंदा नहीं रहेगा या मां की जान खतरे में होगी इट वोंट बी अ नॉर्मल चाइल्ड Somebody else? It's a risk, but you can always take it. Aha. Who else? Hi. Yeah, hi, hi. मुझे लगता है abortion होना चाहिए because I have seen same case में doctor ने उन्हें कहा था और उन्होंने obviously mothers are emotional attached to kid और उन्होंने same condition में उन्होंने abortion नहीं करवाया बच्चा हुआ और आज बच्चा 14 years का है उसकी हालत देख लो तो तरस आता है और आज माँ खुद पछता रही है कि 14 साल के बाद की शायद उस टाइम पे मैंने डॉक्टर की बात मानी होती और अबॉर्शन करा दिया होता okay. उस बच्चे की लाइफ जो है बेड रिडन है उसकी उसका जो ना हाइट बढ़ी है ना वेट बढ़ा है 1.5-2 फिट का बच्चा है आज भी 14 इयर्स के बाद भी और बेड रिडन है पूरी तरह से विच इज़ वेरी सैड आई हैव दिस एग्जाम्पल जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज सो आई थिंक अबॉर्शन ओके मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ yes. जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे थे This was one of our most emotional episodes. जैसे आपने अभी अभी आपका experience बताया हमारी audience में बहुत सारे लोग थे who had an experience. Some of them ने वही कहा जो आपने कहा कि तरस आता है लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पास special needs का बच्चा है और we feel blessed कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक बच्चा है किसी ने कहा कि मंदिर में घर में मंदिर या भगवान की जरूरत नहीं क्योंकि ये भगवान है हमारे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डिस्कशंस इस डीप लेवल तक जाते हैं बहुत सारे लोग हु हैव दीस काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कभी कभी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं पीपल टेंड टू गेट वेरी पैशनेट अबाउट द टॉपिक्स तो कभी कभी झगड़ा होता है कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होती है शोर होता है जो भी होता है डिस्कशन होती रहती है और फिर एक पॉइंट पे हम लोग रोकते हैं सबको और कहते हैं
कहानी थोड़ी और देखिए, एक और क्रॉस रोड आएगा, देन वी विल टॉक फर्दर. अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी और देखनी है तो ये आप अभी नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है जो आप 6 जून को 8:30 बजे जरूर देख सकते हैं, एंड आई होप कि आप देखें. लेकिन मैं इस वक्त आपको सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ने वाला. यू हैव गॉट अ डिसेंट आइडिया ऑफ व्हाट वी डू हियर. एक और कहानी देखिए. ओके, रेडी? देखना चाहेंगे? यहीं से आ रही है आवाज़. ये दो लोग ही बात कर रहे हैं. देखना चाहेंगे? कम. नो, नॉट सेम स्टोरी, बट समथिंग इक्वली इंटरेस्टिंग. ये बहुत इमोशनल स्टोरी थी, राइट? अभी दूसरी स्टोरी बहुत अलग है. जस्ट वॉच यार, प्लीज. जस्ट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शेयर वन. यस प्लीज. आई हैव अ साइकोलॉजी टीचर हु यूज टू से कि एक आम का पेड़ है जहाँ गले आम भी हैं, गले सड़े और बिल्कुल रॉ और बिल्कुल तैयार आम भी हैं. तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो लोग अक्सर उन बच्चों की मांग करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हमें भगवान बिल्कुल अच्छा बेबी दे. तो उन बच्चों की मांग क्यों नहीं करते जो बेचारे जिनको अटेंशन की ज़रूरत होती है. एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज कि मैंने खुद, आई वॉज अ किड और मेरे नेबर में एक आंटी रहते थे तो उनके घर में एक स्पेशल किड था. आई हैव सीन हर अब्यूजिंग दैट किड, वॉट एवर एक्स वाई जेड, कि ये मर क्यों नहीं जाता. तो ये चीज़ें आपको सच में, जैसे आपने बोला, ये आपको रुलाती भी हैं और सेम इस टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि ये वही माँ है जो बोलती थी कि मुझे बच्चा दो. दिस इज हाउ डीप वी गेट. ये आपने अभी जो देखा, इसमें डिटेल चर्चा होती है. पीपल समटाइम्स क्राई, पीपल गेट वेरी इमोशनल, वेरी पैशनेट. हाँ प्लीज. हेलो. मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स के बाद बच्चे को कौन संभालेगा, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. करेक्ट. और ये प्रॉब्लम भी काफी पेरेंट्स ने डिस्कस की कि मेरे बाद क्या. लेकिन राम, एक चीज और मैं इस पे शेयर करना चाहूंगा. यस प्लीज. यहाँ डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है, पेरेंट्स में माँ का पर्सपेक्टिव है, पिता का पर्सपेक्टिव है और साथ में एक पर्सपेक्टिव है नेचर का. जी. डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एक ही साथ 5 बच्चे जन्म लेते हैं, 4 मर जाते हैं, 1 जिंदा रहते हैं, वो विजयी कहलाते हैं. तो ये अगर नेचर में, नेचर ने किसी को दिया है और अगर वो फिट नहीं है तो नेचर ऑटोमेटिकली बॉडी से डिस्कार्ड करती है. हो सकता है उसका आगे चल खुद अबॉर्शन हो जाए उस माँ के साथ. हो सकता है डॉक्टर्स कहे कि नहीं, जो नेचर में फिट नहीं है वो नहीं आएगा. दुनिया में वही आएगा जो फिट है, और जो इस दुनिया में आते हैं वो सुपरस्टार है. वेल सर, वेल सर. अब देखिए, मैंने सिर्फ थोड़ी सी कहानी दिखाई और फिर आपसे बात की और देखिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं. जस्ट इमेजिन अगर पूरी कहानी दिखाएं, ऑल 3 और 4 क्रॉस रोड्स के साथ, हाउ डीप द डिस्कशन गोज, बिकॉज इट जस्ट गेट्स डीपर, डीपर एंड डीपर. Yes. और यही चाहते हैं हम. Hi. Yes. Hi. I'm Hi. PU. Since we just heard about Darwin's theory, I think it's very interesting to know that special children, since they have some problems at one side, the other side they might be having some extraordinary abilities also. So these are the concepts I think that parents should be very broad-minded to encourage, because going by Darwin's theory, that if you have survival, you know, a survival link somewhere else, you are brilliant or genius. Fantastic. Yes, yes. Thank you. Thanks. Nice accent. इसी तरह with deep, meaningful discussions, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस और टेलीविजन की ऑडियंस इन टॉपिक्स पर थोड़ा सोचे, डिस्कशन करें, प्रोज एंड कॉन्स वे करें, ताकि भगवान ना करे अगर उनकी जिंदगी में या उनके रिश्तेदारों की जिंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आए, क्रॉस रोड आए, दे विल बी वेल इन्फॉर्म्ड, दे विल बी लिटिल मोर एजुकेटेड और वो शायद एजुकेटेड डिसीजन ले पाए. ये है हमारे शो का मुद्दा.
एक और कहानी देखिए, फिर और बातचीत करें। या कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इसके इस कहानी में आगे क्या होता है, इस क्रॉस रोड से किरदार आगे कहां बढ़ता है, किस दिशा की तरफ बढ़ता है, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ला रहा है आपके लिए ये बहुत ही नया और अनोखा शो जिंदगी के क्रॉस रोड्स, 6 जून से हर बुधवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तो फिलहाल ये कहानी तो यहाँ आकर रुक गई, लेकिन आज इस शाम की इस कार्यक्रम की कहानी आगे बढ़ाते हैं। और मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मिस्टर आशीष गोलवालकर को, SVP सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर कंटेंट फॉर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, और उनके साथ मिस शबीना खान जो इस शो की प्रोड्यूसर हैं, और महादेव जी जो इस शो के क्रिएटर राइटर और डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज। थैंक यू। Hi, hello. Thank you very much for coming for this press conference. आगे मैं आपको शो के बारे में, महादेव हमारे साथ हैं, शबीना इन्होंने ये शो कॉन्सेप्ट हमारे पास लाया था। सो इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताता हूँ। मैंने पर्सनली काफ़ी सालों से बहुत तरह के शो किए हैं, नॉन फिक्शन में काफ़ी शोज़ किए हैं, फिक्शन में काफ़ी शोज़ किए हैं। ये एक ऐसा यूनिक, दानिश जैसे बता रहे थे कि ये एक ऐसा शो था जो जब पहली बार हमने सुना तो जैसा शायद आपको आज लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, इतना इन अ गुड वे इतना अजीब सा था कि हमें लग रहा था कि अरे ये है, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब क्या ये शो बन सकता है। तो ये वहाँ से शुरुआत हुआ। 13-14 महीने पहले शबीना जी आई थी ये शो हमारे पास लेके, और हमने तो खैर 13-14 महीने इस पे लगाए हैं, लेकिन उसके पहले सन 2011 से एक व्यक्ति इसमें सोच रहा था, मतलब कॉन्सेप्चुअली वो है महादेव। महादेव साउथ से, जैसा दानिश बता रहे थे, हैदराबाद से आते हैं, और एक बहुत ही इलस्ट्रियस बैकग्राउंड है इनका, वो खुद ही बताएंगे। तो इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े अलग अलग फिल्मों में काम किया, मतलब फिल्मों के लिए काम किया है ये शो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो जिसे, तो इनका ऐसा कहना था जब हम पहली बार मिले थे कि मैं जब कुछ सबको सुनाता हूँ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आगे कोई करता नहीं है। तो मैंने कहा कि मतलब हमें पता नहीं कि हमें तो अच्छा लग रहा है तो हम करें कि नहीं। तो हम दानिश के पास गए और इन वन ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस थोड़ा डेवलपमेंट जैसा हर शो पर होता है हुआ, और एक दिन मैं और दानिश, हम लोग खाना रोज़ साथ खाते हैं, तो मैं दानिश को बोल रहा था कि करें क्या, तो इसे भाई करते तो हैं। तो दैट्स वेयर इट्स आप शो देखेंगे तो आपको कोई भी लॉजिकली ऐसा नहीं लगता इसमें कि ये शो इनकरेक्ट है या कुछ गलत है या जो भी है, लेकिन ये इतना अलग है क्योंकि ये ना जैसे हम ओवर द ईयर्स, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ओवर द ईयर्स एक नॉन फिक्शन हो गया है जो सिंगिंग, डांसिंग और रियलिटी शोज जिसको हम बोलते हैं, और एक फिक्शन हो गया है जो, ये कहीं बीच में आके फंस जाता है ना, ये पूर्णतया फिक्शन है ना ये पूर्णतया नॉन फिक्शन है। और जैसा महादेव पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, हम लोग इस 13-14 महीनों की जर्नी में जब हम इस शो को डेवलप कर रहे थे तो हम खुद काफ़ी बार इधर कभी फिक्शन का पलड़े में भाग जाते थे, कभी बाद में रियलाइज हुआ कि नॉन फिक्शन। तो इवन हमारे तरफ से भी जो हम जैसे बोलते हैं पार्टनरशिप जब शबीना इनके साथ किया तो एक मैसिव आर्ग्यूमेंट्स और मैसिव जैसे बोलते हैं कि डिस्कशंस के बाद में फाइनली हमें ऐसा लगता है देख के, हमने तकरीबन 12 एपिसोड्स पूरे शूट कर लिए हैं फिक्शन में, तो मतलब जो स्टोरी पार्ट है वो तो बहुत सारा शूट कर लिया है, लेकिन जो डिस्कशन पार्ट है, जैसा आज एक छोटा सा डिस्कशन आपने देखा, ऐसा भी हमने शूट किया। और उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ, जब हम अब देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बनती है, जैसा राम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ जो एनर्जी बनती है, आई विश सम ऑफ यू इन सम एपिसोड्स कम हियर एज द ऑडियंस हियर टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, वो लोगों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो बहुत हमें भी नहीं लगा, मतलब जैसे बोलते ना कभी कभी आप एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतना लोग बात करेंगे, लेकिन जब हमने देखा
कि यहाँ लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में, देखिए हम सब लोग जनरली हम सोशल मीडिया सभी लोग आपको पता ही है, यू नो हम सब लोग अपना अपना एक ओपिनियन किसी भी टॉपिक के बारे में होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना यहाँ पर अपने खुद के यू नो जो इंस्टेंसेस हैं या अपना खुद का जो एक यू नो तजुर्बा है वो यहाँ आके टेलीविजन पे शेयर करना, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स बट पीपल डू दैट एंड दे डू दैट यू नो मेरे ख्याल है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हमारी जो यू नो तजुर्बा है उससे अगर किसी को फ़ायदा हो तो उससे बहुत. तो इसी तरह से अगर आप देखें 39 स्टोरीज हम करने वाले हैं, एवरी स्टोरी जैसे दानिश वाज सेइंग 150 क्रॉस रोड्स हैं, एवरी कैरेक्टर दैट यू सी यू नो यू विल रिलेट टू. आप अपने जीवन में मेरी गारंटी है ऐसे किसी एक व्यक्ति से ऑफ ऑल द 39 स्टोरीज आप ज़रूर मिले हैं, या तो आपका पर्सनली वैसा कुछ इस तरह के क्रॉस रोड्स में आप रहे होंगे या आपने यू नो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जानते हैं. और आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स दिस शो एक्सट्रीमली यूनिक. एंड यू नो जैसा कहते हैं कि मुझे भी बहुत जैसे बोलते बटरफ्लाई इन इन द स्टमक, तो वैसा वाला हो रहा है कि मतलब पता नहीं क्योंकि दर्शक इसको कैसा देखेंगे सराहेंगे हमें पूरी इच्छा है. तो आई थिंक वो वक्त ही बताएगा, लेकिन यू नो हमारी तरफ से एक पूरा परिपक्व यू नो अटेम्प्ट हमने करने का प्रयास किया है एंड होपफुली यू नो यू विल लाइक इट. फ्रॉम आर साइड फ्रॉम द चैनल वी हैव गिवन इट अ कम्प्लीटली जैसे बोलते ना कि इट्स ड्यू, जितना हम इसको महत्व देना चाहिए उतना दिया है. ये शो सोमवार मंगलवार को जैसे दानिश बता रहे थे 28th को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो टाइम पे शुरू होगी, वो शो 10 का दम है तो वो सोमवार मंगलवार को आएगा और बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को क्रॉस रोड जाएगा सेम टाइम स्लॉट पे. सो फ्रॉम आर साइड वी आर गिविंग इट फुल शॉट, फुल कमिटमेंट हम अपना दिखा रहे हैं इस शो को लेके एंड होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा. बिफोर यू नो आई हैंड ओवर द माइक टू महादेव एंड शबीना, आई थिंक यू नो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे इतने सालों के यू नो करियर में मैंने पहली बार इतना मैसिव कोलैबोरेशन दो अलग अलग विचारधारा की टीम्स के साथ देखा है. हम नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों बहुत अलग तरह से ड्राइव होते हैं और यू नो बोथ एट आर लेवल एंड एट शबीनाज लेवल यू नो दो बहुत भिन्न विचारधारा की टीम्स के साथ कोलैबोरेट होकर शो बना है. सो आई थिंक आई वांट टू थैंक बोथ द टीम्स, शबीना महादेव एंड द एंटायर टीम बिहाइंड फ्रॉम सोनी एंड शबीना प्रोडक्शंस. आई थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग दे हैव रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड. थैंक यू एंड आई विल गिव इट टू शबीना नाउ. I've got into television for this show very suddenly. जैसे आप जानते हो मैं पिक्चरें बनाती हूँ, तो जिस दिन मैं हैदराबाद गई थी राउडी राठौर 2 की स्टोरी सुनने, my flight got delayed and I went to a idli joint to have idlis with Mahadev and he narrated this concept to me which I thought was amazingly unique. Very casually I came to Ashish to discuss this story and he also was flabbergasted with this story and the same went with Danish. So I am extremely extremely thankful A to Mahadev for giving me this concept and giving me this opportunity to make this show, Ashish in believing that this show could happen, and Danish for sanctioning such a big production which only the entire team could manage. I want to thank Hamir ji and my team for this. I want to thank Akash and Anju and the entire non-fiction team because it is the most tough show I have ever. I don't think I'll do a tougher show than this. I would have made 3 films in this period of 2 years. I still haven't started Rowdy Rathore 2 because of this show. It's taken such a toll on me. So all I can say is this is Mahadev's baby and I've just produced it. I've tried to give it the vision he has. Danish has allowed this to happen and Ashish and his team have helped me in making it happen. Hello. My name is Mahadev. I'm from Hyderabad. First time in Bombay. Holding a mic. First time in Bombay, holding a mic. Okay. Long back, I was just thinking to make a different concept. Okay, a different concept in the sense there,
not only friction, non-friction, it's a mix. Everything is okay. The crossroad concept, everything's okay. But what about the stories? Every time I have to give a crossroad to each and every story, 3 crossroads in each story. And the crossroad should be different. Different in the sense, agar main ek crossroad de dun aur aap logon ne baat karna shuru kar diya ek sided pe, dusre side pe nahi hai, koi argument nahi hai, to interesting nahi banega. To main sochne laga kaise kare. To mujhe aisi aa gaya ki ek situation aisa karna ki dharm sankat ho. In my language telugu we say dharma, dharma kala mana paristhitilo dharma maarutundi. It's my language, Telugu, okay? I'll tell it in Hindi also. But my Hindi is very bad. Please bear with me. Dharma, you understand in Hindi. Dharma, kal means time. Time and paristhiti means the situation. Ek-ek situation mein, ek-ek time pe dharma change hote rehta hai. Dharma is not constant. Dharma is not constant. For that, I read a story. Then I started understanding how dharma keeps changing. So that gave me an inspiration. I just want to share a small story which inspired me to do this crossroad. And the story is, ek zamane mein ek matlab apna puranon ke zamane mein ek rishivar the. Wo rishivar unhe kasam ka ke rakhi ki zindagi mein kabhi bhi wo jhoot nahi bolenge, sirf sach bolenge unke muh se. Ek kasam unhone kha li hai. और उनका धर्म एक बन गया अभी. एक दिन उन्होंने जंगल में तपस्या शुरू कर दी, तपस कर रहे हैं, तो सडनली एक हिरण आ गई वहाँ पे, डियर. हिरण भाग के आ रही है और उनसे बात कर रही है, बोल रही है, ऋषिवर ऋषिवर मुझे छुपा लीजिए आपके पीछे, पेड़ के पीछे, मेरे पीछे एक शेर आ रहा है, एक टाइगर, टाइगर है ना शेर, ओके ओके, एक टाइगर आ रहा है मेरे पीछे, मुझे आपके पीछे छुपा लीजिए, उसे मत बोलिएगा मैं आपके पीछे छुपाऊँ, प्लीज मेरा जान बचा लीजिए, एक झूठ बोल लीजिए मेरे लिए करके, वो पीछे जाके चुप गई. अभी यहाँ से टाइगर आ गया, वो उनके सामने खड़ी है और बोलती है, ऋषिवर आपने एक हिरण देखा क्या यहाँ पे, बहुत देर से पीछा करते हुए आई हूँ, कहाँ देखा क्या आपने? तो अभी ये ऋषिवर क्रॉस रोड पे है ना, अभी ऋषिवर का धर्म क्या है, झूठ नहीं बोलना है उन्हें, कसम खा के रखी है. अभी आप लोग क्या बोलोगे, शुड ही टेल ट्रूथ और लाइस, क्या बोलना चाहिए उन्हें? हाँ, तो धर्म तोड़ ले, हाँ तोड़ सकते हैं, क्यों? हाँ, ये सिचुएशन में, ये परिस्थिति में, ये समय में धर्म बदल गया है ना, तो धर्म इस साइड हो गया. अभी क्रॉस रोड से आपने आंसर कर दिया कि उसको धर्म तोड़ना है, लेकिन उनका अंदर का संघर्ष बहुत हुआ होगा मन के अंदर, क्योंकि मैं ब्रेक कर रहा हूँ मेरा शपथ. ठीक है, आपका बात मान लिया उन्होंने, उन्होंने मान लिया और मुंह से आपने झूठ बोल दिया. क्रॉस रोड से हम बाहर आ गए, अभी अभी वो झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे कि नहीं शेर मैंने कुछ नहीं, नहीं टाइगर मैंने कुछ नहीं देखा है, यहाँ के कोई हिरण गिरण कुछ नहीं आया यहाँ पे, आई एम सॉरी. तो अभी देखिए टाइगर बोल रहा है, ऋषिवर आप ध्यान से फिर से सोच के बोलिएगा, मैं 1 वीक पहले 3 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ और भूखी हूँ, मेरे पास से दूध नहीं आ रहा है, अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो तीन मेरे पिल्ले वो दैट कब्स वो मर जाएंगे, दूध नहीं आ रहा है, मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएंगे, मेरे दूध के लिए बोलो ना मेरा शिकार किधर, आपने देखा क्या, फिर सोच के बताइए. अभी ऋषिवर फिर क्रॉस रोड पे है ना, अब बोलो, आप ही ने बोला था ना मुझे कि झूठ बोलना है, अभी क्या बोलना है, झूठ बोलना है सच बोलना है? हाँ, हाँ, नहीं खाएगी वो, नहीं कहेगी. ऋषिवर को खाना है तो आते ही अटैक करती थी वो, द मोमेंट ही, इतना बात की क्या जरूरत है. हाँ, अभी बोलिए धर्म किस तरफ गया अभी, ए दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एक्चुअली. अभी टाइगर के 3 बच्चे को आप सिंपति दिखाओगे या इस हिरण का जान को सिंपति दिखाओगे, यही धर्म संकट है. अंडरस्टूड? एक क्रॉस रोड पे मैं अगर आपको छोड़ दूं और आपको आई टेल यू टू चूज वन वे विच वे टू गो, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर मी. इट हैज बिकम वेरी बिग चैलेंज टू राइट ईच एंड एवरी स्टोरी लाइक दिस. इफ देर इज नो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इट्स वेरी सिंपल, इट विल बिकम वेरी सिंपल.
So this kind of stories to write was very big challenge for me. Okay, I started writing stories and everything. And each story, you know, everybody will be, see, if these kind of stories come, everybody will be interested in talking to, responding to that. I know people will respond. I know the kind of debate that is going to come. For me, I wanted to give ending to each and story in such a way that the debate never ends. Because nobody in this world agrees with one thing. No, everybody differs with everybody. Everybody has their own reasoning. And in India, one beautiful important reason which made me do this concept is, in India, we all have got one beautiful habit of advising others. We have solution for all the problems, if it is not ours. हमारे पास कोई आ गया वो रॉकेट साइंस का प्रॉब्लम बताओ या शादी डाइवर्स का प्रॉब्लम बताओ, हम बोलेंगे उसे क्या करना है, पक्का बताएंगे. लेकिन ना ये बताते बताते हुए इफ यू ऑब्जर्व आप क्या बोल रहे हो, एक बार आप खुद सोचो तो आपको मालूम होगा एक्चुअली आप क्या हो. मेरे पास कोई डाइवर्स के लिए आ गया, कोई लड़ रहा है, तो अगर मेरा नीयत अच्छा है तो मैं उन लोगों को फिर वापस जोड़ने के लिए मैं कुछ एडवाइस दूंगा. If my mentality is not proper, मैं बोलूँगा अरे तू ऐसा करना कि अलोमिनी ना दे पड़े, ओके तू ऐसा ट्रिक मार उसके साथ कि डाइवर्स हो जाए अलोमिनी भी देना ना पड़े, तो मेरा असलियत बाहर आ गया, है ना. तो एवरी टाइम दिस क्रॉस रोड आई थॉट यू नो ओके पीपल विल डिबेट पीपल विल टॉक एंड ऑल्सो देर इज अनदर स्कोप ऑफ एक्चुअली उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो ऐसे देख के रेस्पॉन्ड हो रहा है. At the same time, respond होते होते खुद के बारे में थोड़ा जान जाएगा वो. So these all together put together made me do this concept. Sorry to cut you like this. So I forgot one. So there was one story that Mahadev narrated to us, which is the pilot. I mean, we shot a pilot. उसका story था बहुत ही अच्छा nice story था. लेकिन उसमें हमारी ऐसी बात नहीं बनी थी. मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं मतलब. सो एक मीटिंग दो मीटिंग तीन मीटिंग फिर फाइनली महादेव को लगा यार ये लोग मतलब कुछ दे आर नॉट मेकिंग द डिसीजन दे आर नॉट गोइंग फॉर द किल एंड यू नो अप्रूविंग द शो. सो महादेव केम एंड नरेटेड अ स्टोरी विच आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू टेल बिकॉज जिस तरह का यहाँ पर लोग हैं यू नो आप सब इंटेलेक्चुअली एनलाइटेंड लोग हैं तो ये स्टोरी आपको आई विल रिक्वेस्ट महादेव द ब्रदर सिस्टर स्टोरी. So he narrated that story. We've shot that, by the way. And you listen to it and you will realize that, you know, just to give you a spectrum of what kind of stories you are going to see. Though aapne dekhi ye thodi aisi, it gives a feeling, ye thoda slice of life, emotional hai. But thode bahut emotional to hai because, you know, everything is an emotion at the end of it. But kuch bahut alag, jise bolte na ki krantikari stories bhi hain. So ek unme se, Mahadev, aap please bataiye. Haan. If you guys are enjoying, I mean, I hope it'll take 5-7 minutes. Just, yeah. Yeah, okay. I was about to conclude. Okay. So every time the story became challenge. And then finally I somehow made this concept and nobody believed me. One fine day when I met Shabina ji, I worked for Mr. Vijendra Prasad. Bahubali, Bajrangi Bhaijaan, if I tell like that you will understand better. And I assisted Mr. S.S. Rajmouli for so many movies. And I come as a writer from their team. Okay, that's my background. That's how I met Shabina ji, as she comes there for her work to get done with Mr. Vijendra Prasad. So we became friends. And I told this concept to her. She started liking the concept. And mujhe laga achha hai. Okay. Then we came to Ashish to meet him. And I narrated to Ashish, then it went to Danish. Ashish believed me, Danish believed me. Not that much complicated. Itna rushivar ka tiger nahi tha, hiran bhi nahi tha usme. Ek normal sa story tha. Ek ladki ka, kisse shaadi kare. Itna simple story tha. To usse kuch baat nahi ban raha tha. To they asked me, can you tell us one more story which is more, we can understand it better, the concept? Okay. Maine aur ek story bataya and which he wants me to narrate it to you. 3 minutes I'll narrate. एक बॉम्बे में एक विल ओपन इन बॉम्बे एक हस्बैंड एंड वाइफ दे कीप ऑन फाइटिंग विथ ईच अदर वी शो ए स्मॉल किड वो जब जब देखो घर पे आता है तो मदर और फादर लड़ते 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 हैं
Every time the father says, you know, I don't know why I married you. It's my biggest mistake in my life. Aaj boch boch wo bol raha hai yaar ye isko wapas ye bol rahi hai. It's my mistake. Main sab mera parivar chhod ke aa gaya tere piche. Wo ye ye bacche wo small age mein usko samajh mein nahi aa raha hai. Dono lad rahe hain. Ek ye bacche ka kya hai? Always is only, you know, feel na maa aur father iske saath happily kab rahenge. One fine day ladai zyada ho gaya aur ek din ye bacche ko leke ye baap wahan se chale gaya. एंड इसको दिल्ली लेके चले गया. दिल्ली में चले गया ये बच्चा. एंड ही सीज एंड ही सीज मदर इज नॉट देयर. ही डजंट अंडरस्टैंड इन दैट एज. ही आस्क्स हिज फादर, मदर किधर है? आज से तेरा माँ और फादर मैं ही हूँ. ओके, आई विल टेक केयर ऑफ यू बेटा. एंड वी शो दैट. थोड़ी दिन तक माँ के लिए उसने रोया. उसके बाद थोड़ा बड़ा होते होते भूल गया वो. फादर बिकेम एवरीथिंग टू हिम. एट वन एज व्हेन फादर का एज खत्म हो रहा है, वो टाइम पे बेटे से बोलता है, बेटा when your life comes, ab dhyan se soch lo, main jo bol raha hu is very important for you. If you want to marry somebody in your life, make sure saat purkon ka is taraf aur us taraf dekh ke shaadi karna. Aisi kisi se shaadi mat karna beta. Ye advice tha uska father ka last advice. And this fellow again came back to Bombay and he started his life. Now when after the father, when he comes back to Bombay and he starts searching for his old house, उसका मदर का मेमोरीज ओल्ड हाउस, बट वो जगह पे अभी दूसरा फ्लैट बन गया, मदर नहीं है. ही इज वर्किंग इन अदर कंपनी वेर ही फॉल्स इन लव विथ ए अदर गर्ल. हर नेम इज फातिमा. शी इज इन सो मैडली लव विथ दैट गर्ल. बट वन क्रॉस रोड फॉर हिम इन लाइफ इज हिज फादर्स एडवाइस इज हिज क्रॉस रोड. हिज फादर सेड कि डोंट मैरी वो यू डोंट नो, सातपुर को इधर इधर देख के करना. तो ही गोज टू दिस गर्ल एंड ही ट्राइज टू आस्क हर, तेरा सातपुर का इधर का बताओ, तेरा माँ का साइड का, बाप का साइड का. वो बोलिए तो मेरे से शादी करना है और मेरे सातपुर कौन से करना है, किससे शादी करना है? बिकॉज आज का जमाने के लड़की है. शी सेड इडियट डू यू लव मी, और पीछे बैकग्राउंड देख के लव कर रहा है, व्हाट इज योर इंटेंशन? सो उसको तो कुछ कन्विंस नहीं कर पाया, बट स्टिल ही इज इन लव विथ हर. सो ही कम्स आउट ऑफ द क्रॉस रोड, ही मैरिज द गर्ल. फ्रॉम देयर बिफोर मैरिज ही सेज, यू नो, शी इज वेटिंग फॉर हर पेरेंट्स टू कम एंड गिव देयर ब्लेसिंग्स. दे आर इन दुबई. They were about to take a flight and they missed the flight and these in a jaldi mein inka shaadi ho gaya. They say aap shaadi kar lo, hum aa rahe hain wapas. They come back from Dubai. These people are married and waiting for their her parents to come and bless them. Our brother and her parents, they come inside with their mother. Also comes inside. The moment is the boy sees the mother, is shock of his life. She is none other than his own mother. His own mother, because बचपन से उसका memories में वो mother का face ऐसी रह गया, वो याद रख सकता है. लेकिन अभी ये बढ़ गया, मेरा जैसा दाढ़ी भी है, उसका माँ याद नहीं रख सकती है. So she comes and she is very happy to see her son-in-law. And this fellow sees her, और in ऐसे conversation करते हुए, आप पहले से मुस्लिम हो या? Because he wanted to clarify whether mother है. नहीं नहीं बेटा, मैं पहले हिंदू थी, अभी मैं मुस्लिम हूँ. ओके, उसका कंफर्म हो गया कि अभी इनका फर्स्ट नाइट रेडी हो गया. फर्स्ट नाइट रूम पे दोनों बैठे हैं, वो लड़की आने वाली है 2 मिनट में. अभी इसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि ये दुनिया को किसी और को पता नहीं है, किसी और को भी पता नहीं कि वो इसका क्या रिलेशन है. ओके, ओनली उसे पता है. और ये लड़की भी ऐसा स्क्रीन प्ले में ऐसा हम लोगों ने किया कि ये लड़की भी ना, सी बहुत कुछ हो गया तेरा बकवास. व्हेन यू वांट टू मैरी आई एक्सपेक्ट ओनली वन थिंग, यू शुड लीव मी एंड गो. हाँ, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये प्रॉमिस भी उसने किया है. अभी उसको पता नहीं, किसी को पता नहीं, सिर्फ हम लोग को पता है और उसका अंतरात्मा को पता है. अभी उसे क्या करना चाहिए? ईश्वरी मैंने बताया, डैनी जी ने बोला, अच्छा अच्छा क्या किया उसने? मैंने बोला आप एक कॉन्सेप्ट ओके कर दो, मैं आंसर बोल दूंगा. दैट्स हाउ वी पिच दिस कॉन्सेप्ट. उन्होंने आशीष जी ने ओके कर दिया, डैनी जी ने ओके कर दिया. उसके बाद हमने उसका क्या हुआ हमने बता दिया. अभी मैं उसमें के बाद क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, आई एम सॉरी. जैसे कि 6th June द सेम डायलॉग राम कपूर जी ने जो बोला है, एंकर जी ने जो बोला है, सेम डायलॉग मेरा भी.
देखिए टीवी में. ओके नाउ बिफोर आई कंक्लूड आई वांट टू हार्टली थैंक. सी देयर इज वन वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कन्विंस एवरीबडी. सी द टीम व्हाट आई गॉट फ्रॉम द चैनल आशीष जी अंजू जी एंड आकाश दे आर చాలా మంచి వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు. మై వొకాబులరీ ఇస్ వెరీ పువర్, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ బ్యాడ్, హిందీ ఈజ్ బ్యాడ్, మై తెలుగు ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో ఐ టెల్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు. మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు, సూపర్. మీరు కూడా చాలా గొప్ప వాళ్ళు. మై మదర్ టంగ్ తెలుగు. ఓకే సో హాపెనింగ్. It's very rare in today's world, but yeah, it has happened, and hopefully you'll like the show. And non-fiction, so many things, great. You'll understand it better when you start seeing the episodes, and end of the 39th episode, after this end of the season, we'll all meet, and you'll start believing me. Tab vishwas aayega, main kya bol raha tha aaj. He's here. He's another one who's really believed in this show from day one. For a year, he's also living this dream. And special thanks to Ramji. Ramji, I met him first when we were shooting the pilot episode. Pilot episode, because we want to impress the channel, that is there with everyone. Pilot channel ko impress karna hai, that was our target. So there was little bit scripted things in the anchoring part. That is the first time I'm meeting Ramji, and everything was scripted. Suddenly from in between, Ramji, he took it on his own. And he started telling something which is not in the script. He started reacting instantaneously, and it was genuine from heart. That I still remember, that you'll also enjoy, don't worry, you'll also enjoy that thing. Tab mujhe hua ki, mera concept kiske shoulder pe main chhod raha hu. Ramji is a perfect person to handle this entire crossroad concept. I'm so thankful to you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Shamina ji, Ashish ji, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram. Thank you so much. I think sawal aap poochna chahenge, so may I please invite Mr. Danish Khan on stage as well, and on the floor to questions. Anything you'd like to ask? We'll get the mic to you. Yeah. I have a question for Ram. Yes, hi. I want to know that which is that one decision which has been very difficult for you to make in your real life? One decision that has been very difficult to make in my real life. You know what? I consider myself very lucky. My life has been very blessed. I, so far in my life, have not come across this kind of a crossroad before. And now, after being involved with this show and after doing already 12 episodes, I realize even more how lucky I am, how blessed I am, because people go through so much. I mean, we all live in our bubbles, we live in our cocoons, and we don't realize. This show makes people think outside their bubble, you know, try and relate to others. So I've had difficult decisions throughout my life, but just the same as pretty much everybody in this room. Nothing as deep as what we're doing now. Sabhi emotional stories rahengi? Kabhi kabhi hansi mazak mein bhi aisa hota hai ki are kaun sa rasta apna lo. Sir, emotional कुछ कुछ स्टोरीज बहुत इमोशनल हैं, बट बेसिकली हर एपिसोड की कहानी ऐसी है जिसकी वजह से सोचने को मजबूर करती है. बेसिकली इट मेक्स यू थिंक कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता. नाउ सम एपिसोड्स जो बहुत इमोशनल हैं उसमें डिस्कशन बहुत सीरियस होती है बिकॉज पीपल गेट वेरी इमोशनल. लेकिन ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहाँ पर डिस्कशन के बीच में कोई कुछ फनी कह देता है या अजीब कह देता है और सब लोग हंसते हैं. सो हर एपिसोड का मोड अलग ही होता है. नोबडी नोज वेयर इट्स गोइंग टू गो.
कभी कभी सीरियस हो जाता है, कभी कभी लोग रोते हैं, कभी कभी झगड़े होते हैं और मुझे कंट्रोल करना पड़ता है. गाइज गाइज रिलैक्स, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है, यहाँ पर सब अपनी अपनी राय शेयर कर रहा है और कभी कभी हम लोग पागलों की तरह हंसते भी हैं. बेसिकली ये शो इज व्हाट यू विल डिस्कस एट डाइनिंग टेबल्स, कॉन्वर्सेशन, स्टोरीज, डिबेट्स विच हैपन इन योर डाइनिंग, एट योर डाइनिंग टेबल और इन योर लिविंग रूम. प्रॉबली समथिंग अबाउट योर मेड दैट हैज हैपेंड विच शी इज ऑन अ क्रॉसरोड्स. तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कहानियाँ हैं ये, विच यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड वंस इन योर लाइफ टाइम. सो देयर इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ स्टोरीज. सम आर सीरियस, सम आर फनी, सम आर ऑफ चीटिंग हस्बैंड, सम आर ऑफ वाइव्स हु आर गोइंग रॉन्ग, सम आर नैगिंग वाइव्स. सो इट्स रोजमर्रा की जिंदगी के स्टोरीज, बट आम आदमी की स्टोरीज. एवरी सिंगल स्टोरी इज टोटली रिलेटेबल, टोटली रिलेटेबल. Hi, Dan. Danish, I have a question for you. You approved of this show. You loved the concept. What is the one crossroad that you've come across in your life? Personally, you're saying? Absolutely, because you love the show. You love the concept. You've agreed to do the show, which is completely different, on a GEC. I have multiple reasons to. I must tell you before I come to my personal thing. The one of the other reason is that Ram has been very lucky. Many years back, I was a marketing head of Sony. We launch a show, बड़े अच्छे लगते हैं, you know. And I'm hoping that luck will come back to me. So that's, you know, on a the question that you're asking, yeah, I worked very hard to get into a prestigious engineering college, but my heart was not there. And my father was telling me, you ensure you complete 4 years. And I didn't want to. That was the hardest decision. I ran away from that college. That's my. Hi. आपके लिए भी same सवाल यही कि yeah. My crossroad was, I don't know if you guys know, but for 25 years I've been a costume designer for films, and I was working with Akshay in 2010 doing all his films costumes, plus I was working with Shahid. And at that point of time, I needed to get into doing movies. So I had to give up a flourishing career of doing clothes and making a film with Akshay, which was Rowdy. So, and I couldn't do a dual role at that time, doing costumes for him and being his producer. So I was at a crossroads where I left a lot of money there also. And this was a chance I was taking. So I was at a crossroad at that time. One more question I want to ask. Was this name was the final one? Zindagi ki crossroad. Yehi naam rakha pehle. Matlab, was it the one only which you chose? Of this show? Yeah. Yes, it was Zindagi ki crossroads. We did the pilot 1 year back. The name was the same then also. Hi, my question is, what is the motive behind this debate? Entertainment. It's just entertainment. It's what you discuss in your house. When you watch this show, you will realize that these are the things that we do constantly at home with our parents or with your husband or your sister or your brother or your friend. And the only thing that you'll find in this show is entertainment. So in short, Sony said to us, they want a lot of answers. So this show, you're going to ask a lot of questions. And also with that kind of people will be left with a lot of questions. No, I think one of the things that Madhav was telling, that conversation, okay, and this is one thing which I must credit Ashish. Long time back, one of the thought, not about this show, but independently when we were discussing our programming strategy, one of the thought we said is that, can we create some show which generate conversation? And conversation is not dirty types, but slightly deep conversation where people can know each other, can have an opinion. And we used to have long time back such shows. Okay, can we get some shows which will lead to natural conversation in home? Sometimes it will be serious, sometimes it will be entertaining, but having a conversation in prime time is perhaps one of the objectives that we are doing this show. Yes. That Ram can only tell you. No, I just want to say one thing, which I think I should have earlier. You know, aap agar dekhe, hum log itna social media mein khud
बिजी हो गए हैं कि घर में ना बातचीत नहीं होती है. जो दानिश वाज सेइंग, यू नो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस. आई मीन आई एम सॉरी, इट्स नथिंग टू डू विद, आई मीन इट्स रिलेटेड टू दिस शो, बट जनरली आई एम सेइंग वी डोंट टॉक टू ईच अदर. यू नो हम लोग फेसबुक में 5,000 फ्रेंड्स हैं लेकिन एक्चुअली शेयर करने के लिए दो भी नहीं मिलते हैं, है ना. सो आइडिया इज कि आप वहाँ बैठ के लोगों से, एक टाइम था आई रिमेंबर, यू नो व्हेन आई वाज अ किड, यू नो वी यूज्ड टू यू नो हैव डिनर टुगेदर, यू नो मेरे माता पिता बहन हम लोग बैठ के बातचीत करते थे. वो बातचीत चली गई है, आप देखिए अपने घर में देखिए, है ना. सो कोशिश ये है कि टेलीविजन के सामने बैठ के एटलीस्ट, क्योंकि क्या है, हर किसी का एक ओपिनियन होता है, और जैसा राम वाज सेइंग, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है. जो जैसे महादेव बोल रहे थे कि धर्म वक्त के साथ आपका डिसीजन सही और गलत होता है, राइट. सो उसमें एक इच्छा है. दूसरा एक और चीज है, अगर आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपिनियंस, दस का दम इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, एंड इन दिस इज ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे इज अबाउट ओपिनियंस. सो सोमवार से शुक्रवार यू नो देश की जनता को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे अपनी राय रखने का मौका मिलेगा, चाहे वो दस का दम में कितने प्रतिशत भारतीय, जो 28 तारीख को आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा, टू दिस इट्स ऑल अबाउट ओपिनियंस, राइट. हाय, आई हैव अ क्वेश्चन. सो हाय मिस्टर महादेव, ओके, सो यू अप्रोच्ड अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर सोनी फाइनली टुक इट अप. डिड यू अप्रोच एनीवन डाउन साउथ, एंड आर यू ओपन टू अ रीमेक ऑफ दिस इफ इट डज वेल इन मुंबई? या अप्रोच, when I went and approached, they kept me in pending, they kept me hold, but when they were ready I was busy with something else. So it all matters time, not I think the time has come. So I met beautiful people, they understood my concept well, and if it clicks, you're south, that Shabina ji will tell better. You want to know? I hope, inshallah, if it clicks well, then definitely in every language. And then they'll also make it in whichever language they want. मेरा सवाल राम जी से है. सर, ये मैं जानना चाहता था, आप का इतने दिनों बाद आप आए हैं, मतलब एंकरिंग में आप आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या खास लगा इस शो में कि आपको ये पसंद आया? ओके, मैं दिल से कुछ कहता हूँ, आप छापना है तो छाप लेना, नहीं छापना तो मत छापना. When this show came to me, at that time, उस वक्त मेरा ध्यान टीवी की तरफ नहीं था, अलग काम कर रहा था, फिल्म्स कर रहा था, वेब सीरीज कर रहा था. मैंने सोचा था कि एक दो साल पता नहीं, शायद नहीं करूँगा टीवी, बिकॉज जब भी मैंने टीवी चूज किया, आई हैव ट्राइड टू चूज समथिंग डिफरेंट, चाहे मेरे शोज हों बड़े अच्छे लगते हों, वट एवर. ये शो जब आया, पहली मीटिंग जब मैंने शबीना के साथ की, जब हम अंदर जा रहे थे मीटिंग के लिए, गाड़ी में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था पोलाइटली हम लोग ना बोलेंगे, बिकॉज टाइम नहीं था, डेट्स बिल्कुल नहीं थे. द मिनट आई हर्ड द कॉन्सेप्ट, 5 या 10 मिनट्स के बाद मैंने बोला आई हैव टू डू दिस शो. वो इसीलिए, हर किसी के करियर में, इफ यू आर लकी टू हैव अ लॉन्ग करियर, हर किसी के करियर में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. हम लोग जो भी काम चूज करते हैं, वी चूज इट फॉर आ करियर, फॉर मनी, फॉर वेरियस रीजंस. कभी कभार इफ यू आर लकी, तो कभी कभी प्रोजेक्ट आता है जो आप सिर्फ अपने आप के लिए करते हैं. मैंने 25-30 फिल्म्स की होंगी अभी तक, बट एक फिल्म मैंने की सिर्फ अपने आप के लिए, और वो थी उड़ान. वी डिडंट इवन नो व्हेदर इट वुड गेट रिलीज, बट I had to do it. This show is exactly like that. Shabina ko option the, if she wanted to come in TV, she could have come like how everybody else comes in something totally like a sitcom or jo sab karte hain. It is unbelievable how brave she is for choosing a show like this. Kya zarurat thi? Achha wala career ja raha hai. TV mein branch out karna hai to theek hai, wohi karo jo short short chalega na. Unbelievable that she chose this kind of a show, and then the way this channel has backed her,
I am very, very proud to be a part of this show. And I'll tell you guys honestly, I don't care ye show chale ya nahi chale. This will be one of my proudest achievements in television that I was part of this show. That is why I did it. इसी सवाल के कंटिन्यू में सवाल था क्योंकि आपकी अपनी एक ऑडियंस है, बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, चाहे आपकी फिल्में हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे सीरियल्स हो, हर रूप में लोग आपको पसंद करते हैं. लेकिन जो टाइम स्लॉट की बात हो रही है कि 2 दिन सलमान आएंगे, 3 दिन आप, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप होस्ट हैं, शो का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, लेकिन एक होस्ट के ऊपर पूरे शो का दारोमदार होता है, कॉम्पिटिशन की बात हो सकती है, टीआरपी की बात हो सकती है, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं क्या? क्योंकि टाइम स्लॉट सेम है पूरे वीक का. अगर मैं कभी भी अपने आप को सलमान खान के साथ कंपेयर करूंगा या उसको अपना कंपटीशन मानूंगा, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, है ना. एक तो ये बात हुई, वो सलमान खान है यार. बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, घर एक मंदिर हो या बड़े अच्छे लगते हो, यस दैट शो वाज लिटिल बिट ऑन आवर शोल्डर्स एज इन द लीड पेयर. ये शो, दिस शो इज बिगर देन एनी ऑफ अस. It's bigger than me, it's bigger than Danish, it's bigger than Shabina. Ye show bahut bada hai, bahut bada hai. So I'm just very, very happy that I'm a part of it. And meri jo audience hai, unko maine hasaya hai, unko entertain kiya hai, bahut sari cheeze ki hai. For the first time, I'm doing something which is going to make them think, hopefully. I'm very, very, very proud of that. Mera sawal hai, jaise aapne Mahadev ji ne jo पंडरपुर का मैं जो स्टोरी बनाई है, वैसा इसमें हैदराबाद का क्रॉस रोड देखने को मिलेगा क्या आपको? हाँ, हैदराबाद में भी ये देखते हैं, वो लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन हमने स्टोरी ऐसे नहीं चूज किया कि जो हैदराबाद में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं नहीं, वो स्टोरी ज़्यादा और कॉमेडी हो सकती है. समझ में नहीं. जैसे पंडरपुर का लिया है जो मैं, आपने जो सब्जेक्ट लिया वो जैसे विट्ठल वगैरह की जो बोलते हैं, लोकल लोग ज़्यादा पसंद करेंगे. वैसे आंध्र प्रदेश में या साउथ में भी लोग ज़्यादा पसंद कर सकते, ऐसा कोई हैदराबाद का क्रॉस रोड दिखाने वाले क्या आप? राम बल्ली हुआ या आप राम कोटी? मुझे एक मंथ पहले आप मुझे मिले होंगे तो कितना अच्छा होता था. मैं मेरा साउथ का मैं छोड़ दिया. नहीं, ऐसा जैसे आपने महाराष्ट्र के लोगों को तो पूरा इन्हें कैच कर लिया, जैसे साउथ या हैदराबाद या नहीं, इसमें ऐसा स्टोरी से कुछ फतेहपुर सिकरी आगरा में हो रहा है, कुछ नॉर्थ में हो रहा है, कुछ एक एक मुझे उतना नॉर्थ का नॉम्स नेम्स नहीं मालूम है मुझे. लोगों को मालूम, आई कीप राइटिंग इट इन कीपिंग ना, द स्टोरी ओपन्स इन हैदराबाद राइट, सडनली आई सी दे चेंज इट इन हिंदी टू लखनऊ. ओके ओके, that is there in their hands. And Hyderabad ka ha aisa kuch story nahi hai, but I wish acha story ho sakta hai. Ha, zarur ho sakta hai, zarur ho sakta hai, likhenge. Hamari sorry to cut you, hamari stories pure desh mein spread out hai. For example, Bombay ki stories hai, urban stories hai, villages ki stories bhi hai jo ekdam rural hai. हम लोग सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, थिंग्स दैट हैपन इन बिग सिटीज ऑल्सो, जो विलेजेस छोटे छोटे विलेजेस में होते हैं. वी आर ट्राइंग टू रियली मेक एवरीबडी रिलेट, नॉट जस्ट अर्बन. एंड पंडरपुर का जो लिया ना, वो तो मुझे बहुत ही यानी इम्प्रेसिव लग रहा है वो, कि जिसमें जितने भी कैरेक्टर लिए हैं वो यानी परफेक्ट 100% मैच हो रहे हो. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वक्त की पाबंदी है तो एक एक या दो सवाल. हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा पूरी टीम से क्वेश्चन है. जैसे मैं फील करता हूँ कि रियल लाइफ स्टोरीज जो होती हैं वो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो रियल लाइफ सीरियल्स हैं वो काफ़ी बन रहे हैं, जैसे अभी ये एक बन रहा है, इसी तरीके से माइथोलॉजिकल जो सीरियल्स हैं वो काफ़ी आ रहे हैं. तो क्या आप लोगों को सबको लगता है ऐसा कि जो यू नो बड़े हाई फाई सीरियल्स बनते हैं जिनमें बड़े बड़े घर दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पब्लिक जो है वो नकार रही है, और जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं, रियल लाइफ सीरियल हैं जो ये हैं, इनको ज़्यादा पसंद कर रही है?
आई थिंक हिंदुस्तान का एंटरटेनमेंट हमारे खाने जैसा होता है. हमको थाली चाहिए हर टाइप के यू नो जॉनर. मुझे लग नहीं रहा कोई भी जॉनर ऐसे ऑब्सोल्यूट है या इस टाइप के स्टोरी नहीं चल रहे हैं टेलीविजन में, फिल्म में, वेब सीरीज में. आप अगर देखो वैरायटी इज द फ्लेवर यू नो. कोई भी जॉनर का अच्छा अगर बने तो चलता है और लोगों को अच्छा लगता है. हाँ ये है कि वही चीज़ अगर बार बार दिखाओ तो शायद लोग को पसंद नहीं आता. लोग को नई चीज़ पसंद आते हैं तो उसी अटेम्प्ट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कुछ नया लाएं. या मुझे लगता है ये पूरा फ्रेश ही है. आई थिंक सवाल आप और पूछना चाहेंगे बट थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पार्टिसिपेट इन द वन ऑन वन विद द टीम एंड कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर टीम एंड गुड लक फॉर द जर्नी अहेड इंटरव्यूज में. और दूसरे वही जैसे मैंने स्टेज पे कहा जब हम सब स्टेज पे थे पूरी तरह से कन्विंस था ना कि मैं नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता अगर डेट के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. लेकिन जैसे कि मैंने कहा जैसे ही मैंने शबीना से कॉन्सेप्ट सुना विद इन 5 or 10 minutes आई सेड वी हैव टू डू दिस. और ऐसे ऐसे मौके कम आते हैं सो व्हेन दे कम यू हैव टू ग्रैब इट. तो दिस शो कैन मेक अ डिफरेंस. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है तो ऑब्वियसली लेना पड़ा. सर जैसे कि आपने ये शो डिबेट ज़्यादा होगा क्या सल्यूशन भी देख पाएगा क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जो सेकेंड स्टोरी दिखाया गया है एक सिस्टम खराब है हमारे. अगर आप कंट्री का भी देखें तो हेल्थ सिस्टम में इम्पोर्टेंट है जहाँ पर गरीबों के लिए इंश्योरेंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल. हमारा काम ये नहीं है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करें. हम किसी को ज्ञान नहीं देना चाहते या प्रीचिंग नहीं करना चाहते कि ऐसा करो. हम चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर लोग चर्चा करें, डिस्कशंस करें, अपने अपने राय पेश करें और थोड़ा बहुत सोचे. दैट इज द मोटिव ऑफ द शो. ये नहीं कि भाई हर चीज़ का सोल्यूशन. हम नहीं कह रहे कि हम लोगों को सोल्यूशन पता है सब चीज़ का, नहीं. लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए लोग थोड़ा सा सोचें उन मामलों में जहां पर अभी तक शायद नहीं सोचा है. दैट्स इट. आवर जॉब इज़ नॉट टू गिव सॉल्यूशंस. आवर जॉब इज़ जस्ट टू हैव डिस्कशंस एंड मेक पीपल थिंक. ओके सर मेरा एक सवाल टीवी उस वक्त आप नहीं करना चाहते लेकिन ये शो कर क्या आज भी जब ये शो होने के बाद टीवी करोगे क्या? अभी फिलहाल तो ये शो करके बहुत खुश हूँ बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस शो. और इसके अलावा और कुछ करना टीवी पर मुश्किल लग रहा है फॉर नाउ बिकॉज आई हैव टू मच ऑन माय प्लेट. तो एक फिल्म भी चल रही है मेरी जो अक्टूबर में रिलीज होगी. वेब सीरीज का भी सीजन 3 भी शुरू करना है मुझे. सो ऑलरेडी देर आर पीपल वेटिंग फॉर माय डेट्स. फिल्म के बाद वेब सीरीज करूंगा. सो बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग एनीथिंग ऑन टीवी राइट नाउ इज डिफिकल्ट. या प्रीटी मच. या प्रीटी मच. बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी है बिकॉज बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. पहली बार देश देखेगा ऐसा कॉन्सेप्ट. लेकिन बहुत प्राउड फीलिंग भी आ रही है. लेकिन नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है बट बहुत प्राउड फीलिंग भी आ रही है. मेरे बच्चे मेरा बहुत कम काम देखते हैं बट ये शो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे देखे बिकॉज दिस इज अ शो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ. वो फील आ रही है. दिस शो इज कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस. किसी को कुछ नहीं पता कि ऑडियंस किस तरफ जाएगी, क्या डिस्कशंस होंगे, कौन रोएगा, कौन हंसेगा, कौन झगड़ा करेगा. सो यस आई हैव टू बी स्पॉन्टेनियस. आई हैव टू बी ऑन माई टोज एंड इसीलिए मजा आ रहा है बिकॉज यू नो नथिंग इज प्लान्ड. हम लोग एक्टर्स लोग जब प्लान करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं और एक्टिंग करते हैं, राइट, सब चीज़ प्लान्ड होती है. इसमें कुछ भी प्लान्ड नहीं है तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज आई लव द चैलेंज कि भाई आज क्या होने वाला है, चलो साथ में देखते हैं. लेकिन ऐसे सीरियस मुद्दों पर राय देना आपके लिए मतलब? नहीं देखिए मैं राय नहीं देता बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू गिव सॉल्यूशंस और टू गिव माई टॉपिक. मेरा काम है लोगों से बातचीत कराना, डिस्कशंस करना. सो दैट इज व्हाट आई डू.
ओके सर, जब हमने ये स्टोरी सुना था सबने, तो हम सबको अपना अपना क्रॉस रोड याद आ गया। तो जब आपने जब कॉन्सर्ट सुना था, स्टोरी सुनी थी, तो आपको उस समय अपना नहीं, नॉट रियली। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट कोई क्रॉस रोड अभी तक आया नहीं है, यू नो, जहाँ पर इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, जाए नहीं है। हमेशा जब भी कोई इंटरेस्टिंग मोड आया है, द आंसर इज ऑलवेज बीन मोर लेस क्वाइट क्लियर फॉर मी। सो यू मस्ट बी फील लकी। या आई फील वेरी वेरी लकी, आई फील वेरी ब्लेस्ड। एक तो ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड में बहुत रिलेटेबल फीलिंग आती है, तो यस, वी ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड में ये फीलिंग आती है कि हाँ यार, ये इसके साथ हुआ है या ये मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ है। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव द आंसर्स, है ना। वी कैन शेयर आर एक्सपीरियंसेस, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस इट, बट वी आर नॉट सेइंग कि भाई वी हैव ऑल द आंसर्स, है ना। एंड द पॉइंट ऑफ द शो इज ऑल्सो कि भाई एपिसोड देखो और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, नहीं। एपिसोड देखो और अपना दिमाग थोड़ा सा खोलो, मे बी थ्रू अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस यू गेट टू नो समथिंग दैट हैज कम इनटू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज द गोल। एनी लाइफ लेसन दैट आई वुड लाइक टू शेयर? अरे बाप रे, बहुत डीप सवाल है। नहीं यार, मेरा लाइफ लेसन हमेशा से एक ही है, लिव एंड लेट लिव। यार अपनी जिंदगी जियो और दूसरों को जीने दो। दैट इज हाउ आई हैव ऑलवेज लिव्ड माई लाइफ एंड दैट इज माई, दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच माई चिल्ड्रन ऑल्सो। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। That's it. Okay, last day, जाते-जाते, जैसे आपके fan following, we all know, set of audience है आपके, तो उनके लिए इस show के बारे में आप क्या last year Korea message देना चाहेंगे? मेरे सारे fan base को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा मुझे कोई किरदार निभाते हुए देखा है, दूसरे shows में या movies में। यहाँ पर आप लोगों को मैं खुद दिखने वाला हूँ। मैं कोई किरदार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्टिंग। दिस इज़ राम कपूर जस्ट बीइंग राम कपूर। एंड मैं गारंटी कर देता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है एंड थोड़ी सी इमोशंस भी होंगी, बहुत सारी मस्ती होंगी। एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइस लाइक इट एंड आई होप दैट वी कैन मैनेज टू मेक यू गाइस थिंक अ लिटिल बिट। दैट्स इट। थैंक यू गाइस। थैंक यू।